हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं बहुत सुंदर एक हैंगिंग बास्केट रेडी करने वाली हूँ। और जो हैंगिंग बास्केट रेडी करने वाली हूँ उस प्लांट का नाम है वेलवेट पर्पल हार्ट। बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं ये प्लांट। और जैसे हम नॉर्मल जो पर्पल कलर के पर्पल हार्ट प्लांट होते हैं ना, उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये वाले देखिए, ये पर्पल हार्ट है, आप तो जानते ही होंगे। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और जो मैंने दिखाया वो वेलवेट पर्पल हार्ट है। तो इसके भी फ्लावर कैसे होते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक ओल्ड प्लांट है और प्लांट काफ़ी लैगी हो गया है। और इसमें इस तरीके से देखिए पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे वो हमारा जो पर्पल वाला आता है ना, उसी तरीके से इसमें फ्लावर आते हैं। प्लांट काफ़ी लैगी हो चुका है और इसी की मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारी कटिंग ले ली है अपने ओल्ड प्लांट से। और ये जो प्लांट की खासियत क्या होती है मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इस पर वेलवटी टाइप का फील होता है। प्लांट ऐसे ही होते हैं और इसके ऊपर जो रोए रोए से आपको देखिए, जैसे फर में होता है ना, उस टाइप से इसमें दिखाई देता है। तो प्लांट को मैंने ऐसे इस तरीके से कट कर लिया है और इसके जो स्टेम थे ना वो ओल्ड हो गए थे। तो इसे हर साल आप कटिंग से रेडी करते रहिए। और थोड़े से सर्कुलेंट फैमिली के ये वेलवेटी वाले प्लांट होते हैं। विंटर में अच्छी फ्लावरिंग होती है इसकी और कटिंग से बहुत जल्दी प्रोपेगेट होने वाले प्लांट है। हर साल इसकी आप कटिंग रेडी करते रहिए। तो ये देखिए, नीचे के ओल्ड जो लीव्स हैं ना, मैंने इसे निकाल दिए हैं। और लगभग जब भी आप इसकी कटिंग रेडी करें ना, तो इसे पहले कट कर 1 से 2 डेज ड्राई कर लीजिए। और ड्राई करने के बाद आप कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बहुत खूब सारी कटिंग ली है। ये मदर प्लांट है, प्लांट लैगी हो गया था इसलिए मैंने इसके रूट्स को नहीं लिया है। और हैंगिंग बास्केट रेडी कर रही हूँ, जो नॉर्मल गार्डन सेल में हमेशा यूज़ करती हूँ अपने गार्डन के लिए। तो उसी कटिंग को आज लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी टूल ले सकते हैं, किसी भी टूल की मदद से आप। और आज मैं ना कोई भी रूट हार्मोन पाउडर नहीं ले रही हूँ, बस इसलिए बस नीचे से देखिए मैंने ऐसे निकाल दिया है। और ये देखिए, ये ऐसे कोई भी रूट हार्मोन पाउडर मैंने नहीं लिया है, ना ही एलोवेरा जेल लिया है। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, कटिंग को इस तरीके से बस आपको प्रेस कर देनी है। ये देखिए आप इस कटिंग को बस ऐसे प्रेस करके लगाते जाएं। और काफ़ी बूशी हो जाते हैं ये प्लांट, मैं बूशी ही लगा रही हूँ इसकी कटिंग, ताकि जब इसकी ग्रोथ हो ना तो भरा भरा सा दिखे हैंगिंग बास्केट पर। ये देखिए, ऐसे आपको लगा लेना है जी। और बहुत ही प्यारे दिखते हैं इसके फ्लावर पर्पल कलर के। और इसके फ्लावर से ज़्यादा इसके जो लीव्स हैं ना, उसे आप टच करने से ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ईजली लग जाती है। इसकी कटिंग का अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी जब भी ये ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, और पानी मैंने पहले से ही वाटरिंग मतलब कर रखी है, सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन है इसमें। तो अभी कटिंग को आपको बिल्कुल शेडी एरिया में रखना है, जहाँ पर मतलब ब्राइट लाइट आए, और धूप में नहीं रखना है जब तक इसमें आपको थोड़ा सा लीव्स आना नज़र ना आ जाए। तो आप इसे बिल्कुल देखिए ऐसे एरिया पर रखिए, छाँव वाले एरिया पर। तो ये देखिए, बहुत सुंदर बास्केट है। अब जब ये भी एक ग्रोथ करेंगे ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे, पूरा हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेंगे ये। तो इस तरीके से आप पर्पल हार्ट वेलवेट की कटिंग लगा सकते हैं। वेलवेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके लीव्स बहुत वेलवेटी होते हैं और विंटर में ये फ्लावरिंग करते हैं। जो पर्पल हार्ट होता है ना, वो 12 महीने फ्लावर देते हैं, लेकिन ये विंटर में ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। थोड़ी सी सर्कुलेंट फैमिली के प्लांट होते हैं ये और लीव्स से भी प्रोपेगेट हो जाते हैं, मैंने नहीं किया है। और ये देखिए, इसके लीव्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा पानी का स्टोरेज करके रखते हैं। इस तरीके से मैं दबा के देख रही हूँ तो मुझे वाटरिंग का फील हो रहा है। तो ऐसे जितने भी जो प्लांट होते हैं जो अपने लीव्स पर वाटर के स्टोरेज कर कर रखते हैं ना, वो प्लांट सर्कुलेंट फैमिली के होते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही बताना था। तो आप भी अच्छे अच्छे विंटर आ रहा है तो हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और जाते जाते मैं अरे आज गार्डन में जो भी फ्लावर ब्लूम हुए हैं, खासकर हिबिस्कस के, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अभी जस्ट मैंने वाटरिंग किया है और ये बहुत
ब्यूटीफुल सा, देखिए अमेरिकन हिबिस्कस बोला जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्लड रेड कलर के होते हैं, बीच में ऐसे इस तरीके से ब्लैकिश होता है, तो रेड कलर के हिबिस्कस मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा है, मैंने इसे इस बार बड़े पॉट पर लगाया हुआ है। तो ये वैरायटी आप ऐड करिए, इनका सीज़न आ गया है, विंटर में बहुत ज़्यादा ब्लूम होते हैं। और इसी की एक वैरायटी है, ये देखिए ये पुणे वैरायटी, इसका कलर भी बहुत ब्यूटीफुल सा होता है, ये कल ब्लूम हुए थे। और इधर ट्रॉपिकल हिबिस्कस जो हमेशा ब्लूम होते हैं मेरे गार्डन पर। और इधर आएंगे तो देखिए वाइट वाला पुणे वैरायटी का हिबिस्कस, देखिए बहुत सुंदर इसकी कटिंग है। और ये मदर प्लांट है, और इसी के प्लांट से मैंने पिछले साल दो प्लांट रेडी किए हैं, तो उसका भी अपडेट दूंगी मैं। एक प्लांट ये है जो मैंने कटिंग से रेडी किया, और दूसरा प्लांट ये है, देखिए जी इसमें बर्ड्स भी आ गए हैं। तो थ्री प्लांट है मेरे पास इसके। और उधर आएंगे तो ये देखिए ऑरेंज वाला मल्टी पेटल पर। और बस फ्रेंड्स, तो इतने ही बताना था, और वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और धूप अच्छी खासी मेरे यहाँ निकली है आज, तो तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।